फ्रेंड वेलकम टू माई ट्यू चैनल ए आर हेल्थ केयर। आई एम डॉक्टर मोहिंद्रा फ्रेंड। आज हम बात करने जाए अरिस्ट एंजाइम की सीरप की, क्या इसके फायदे होते हैं, क्या इसका नुकसान होते हैं, किस कंडीशन लेना कब नहीं लेना, बारे में विस्तार से करेंगे जानकारी। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े मेरी गुजारिश है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, घंटे बजने को ना, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब बात कर लेते हैं अरिस्ट एंजाइम की। इसमें दो कंडे पड़ते हैं, फंगल डाइजेस्टिव, दूसरा पड़ता है पेप्सिन। ये अरिस्टो कंपनी बनाती है, इसलिए इसका नाम अरिस्टो एंजाइम रखा गया। ये जो है इसका इस्तेमाल, अगर बात करें इसका इस्तेमाल जब करा जाता है, जब किसी को भूख नहीं लग रही है, उसका खाना हजम नहीं हो रहा है, उसका जो है पेट में गैस रहती है या कॉन्स्टिपेशन रहता है, बहुत ज़्यादा कब्ज रहता है, पेट फूला फूला सा रहता है, भरा सा रहता है, जिस पेट में आग पड़ती है, गैस बनती है, जिसकी वजह से उनके सीने में भी दर्द होने लगता है, आग पड़ने लगती है, हलक में आग पड़ने लगती है, तब इसका इस्तेमाल कराया जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को तोड़कर उन्हें जो है डाइजेशन का काम करता है। इसका इस्तेमाल जब कराया जाता है, जब किसी को भूख ना लगे या फिर इसका खाने का डाइजेशन ठीक नहीं है, खाना हजम नहीं हो रहा है, तब इसका इस्तेमाल कराया जाता है। ये खाना हजम करने के लिए बहुत ही बढ़िया सीरप है। अगर किसी को भूख ज़्यादा नहीं लगती है, वो सूखा है, दुबला पतला है, लड़का लड़की है, कमज़ोर है बहुत ज़्यादा, तब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने से उनके भूख बढ़ेगी, खाना हजम होगा सही तरीके से, जिसकी वजह से खून की कमी भी है तो खून की कमी भी इनकी दूर होगी और कमज़ोरी वीकनेस भी दूर होती है, भूख खुल के लगती है उन्हें। और अगर इसकी सावधानी की बात करें, इसका कब नहीं देना, तो इसमें अगर किसी को लीवर में सूजन है या फिर कहीं और सूजन है इसके शरीर में, तो इसको नहीं देना है, क्योंकि इसकी वजह से सूजन जो है इसकी और बढ़ सकती है। अगर साइड इफ़ेक्ट की बात, इसको कोई साइड इफेक्ट ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, लेकिन ओवरडोज ले ली तो इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे वॉमिटिंग, घबराहट, बेचैनी हो जाना या फिर बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाना, उल्टी होना, चक्कर आना, ये साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इसे जो है किसी और दवा के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे कोई हर्बल आयुर्वेदिक देसी जड़ी बूटियों की दवाई खा रहा है, तब भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, घंटे बजने को दें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब बात कर लें इसकी डोज की, तो इससे जो है 5 ml सुबह शाम देना होता है खाना खाने के बाद, अडल्ट में जो 18 साल से ज़्यादा उम्र के, जो 18 साल से कम उम्र के हैं उन्हें जो है 2.5 ml दे सकते हैं। हमारे और भी चैनल है जिसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक वॉचिंग फॉर माई वीडियो।